Hello everyone, welcome to Bilaspur IAS Academy, and in this particular video we will talk about the geography of Chhattisgarh. We have started with the lectures on this particular geography of Chhattisgarh in this particular our demo sessions, and also we will continue with the geography of Chhattisgarh in the further lectures. So today I will start the borders of Chhattisgarh. In the last lecture we have talked about the various locations of Chhattisgarh, where we have talked about the extension location in terms of latitude and longitude of Chhattisgarh. Now today we will see the borders of Chhattisgarh. So this is again an important topic, so we will talk about the borders of Chhattisgarh. Borders of Chhattisgarh, I am organizing this particular Chhattisgarh geography in the same manner I have organized the इंडियन ज्योग्राफी. तो जिस तरह से इंडियन ज्योग्राफी के सारे सेक्शंस को मैंने पढ़ाया है, जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है चैप्टर वाइज, सो आई हैव ऑर्गेनाइज दिस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ इन दैट सेम फॉर्मेट, सो दैट यू गेट द ऑल द कॉन्सेप्ट फ्रॉम माई फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑन इंडियन ज्योग्राफी, एंड हियर आई हैव टू जस्ट इम्प्लाइज दोज कॉन्सेप्ट. छत्तीसगढ़ में आपको अलग से कोई कॉन्सेप्ट सीखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम द लोकेशन परस्पेक्टिव. अदर देन दैट, आपका जो भी हम लोग इंडिया में सीख रहे हैं, यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ इन टर्म्स ऑफ आपका, चाहे हम क्लाइमेट पढ़ें या कुछ भी पढ़ें. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बॉर्डर ऑफ इंडिया, सो देयर आई हैव टॉक्ड अबाउट द टू टाइप्स ऑफ बॉर्डर, लैंड बॉर्डर एंड योर कोस्टल बॉर्डर, एंड ऑल्सो आई हैव टॉक्ड अबाउट द फिजिकल बॉर्डर. बट यू नो छत्तीसगढ़ इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट, सो छत्तीसगढ़ इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट. वन थिंग प्लीज रिमेंबर, लैंड लॉक्ड इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट. दैट मीन्स छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव एनी ऑफ द कोस्टल्स बॉर्डर. सो आपके छत्तीसगढ़ में क्या नहीं है, कोस्टल लोकेशन नहीं होगा, और इट इज़ अमंग द लैंड लॉक्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया. सो सीइंग द बॉर्डर्स, सो वी हैव ऑलरेडी वी हैव नॉट, यहाँ पर हम देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ वी डोंट हैव द कोस्टल बॉर्डर्स. सो वी हैव लेफ्ट विद द ओनली टू टाइप्स ऑफ बॉर्डर इन टर्म्स ऑफ योर, फर्स्ट इज योर फिजिकल बॉर्डर, फिजिकल बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर पॉलिटिकल बॉर्डर वी हैव वन, सो वील से कॉल्ड इट एट योर पॉलिटिकल बॉर्डर, और ऑल्सो वी कैन से दिस पॉलिटिकल बॉर्डर एज योर लैंड बॉर्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, लैंड बॉर्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़. सो टॉकिंग अबाउट दिस टू थिंग्स, द फिजिकल बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द योर लैंड बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़. सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल डील बोथ द बॉर्डर्स, फिजिकल एंड पॉलिटिकल बॉर्डर्स. सो दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल बॉर्डर्स, अगर हम इसकी बात करें, सो इट कम इन द एग्जिस्टेंस इन ईयर 2000, जब आपका छत्तीसगढ़ स्टेट बनकर आया, सो वहीं से आपका छत्तीसगढ़ का एक बॉर्डर डिवाइड हुआ आफ्टर इट गेट बाइफर्केटेड फ्रॉम योर मध्य प्रदेश. सो इफ़ यू टॉक्ड अबाउट कि छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर का आपके कितना बड़ा आपके छत्तीसगढ़ का बॉर्डर होगा, वट इज़ द लेंथ ऑफ बॉर्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़, अगर वो सारी चीज़ों को देखना है, सो इट ऑल मैंशन इन द MP स्टेट रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 2001. सो आपका वो कहाँ पर मिलेगा, मध्य प्रदेश स्टेट रीऑर्गनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गनाइजेशन एक्ट, मध्य प्रदेश स्टेट रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 2000. ठीक है, तो आपका ये जो एक्ट है, इन दिस पर्टिकुलर एक्ट विल गेट द लैंड बॉर्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़, वो कौन कौन से स्टेट से, छत्तीसगढ़ स्टेट बींग अ न्यू स्टेट यहाँ से फॉर्मेशन होता है, एंड उस पर्टिकुलर जो गैजेट्स में आपका मेंशन क्या है पूरा का पूरा, कि विच ऑल स्टेट टचेज द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़, एंड एवरीथिंग इज मैंशन इन दिस पर्टिकुलर एक्ट कॉल्ड MP स्टेट रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 2000. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स अबाउट द पॉलिटिकल बॉर्डर, एंड नाउ दिस पर्टिकुलर फिजिकल बॉर्डर. सो दिस पर्टिकुलर फिजिकल बॉर्डर इज मोर और लेस इज अ इट हैज़ अ नेचुरल ओरिएंटेशन. ठीक है, तो ये क्या है, ये नेचर के द्वारा दिया गया है, नेचुरल ओरिएंटेशन. ओके, सो वी हैव द टू टाइप्स ऑफ बॉर्डर, वन इज द फिजिकल बॉर्डर ड्यू टू द नेचुरल ओरिएंटेशन, एंड वी हैव द पॉलिटिकल बॉर्डर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर MP स्टेट रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 2000. ओके, सो नाउ वील टॉक अबाउट बोथ द बॉर्डर सेपरेटली. प्लीज रिमेंबर छत्तीसगढ़ इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट, दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी ऑफ द कोस्टल्स बॉर्डर. नाउ वील सी, फर्स्ट ऑफ ऑल we'll look into the political borders of Chhattisgarh, then we'll move towards the physical borders of Chhattisgarh. Okay, so first we'll see the political borders of Chhattisgarh, political border of Chhattisgarh. Okay, so being a landlocked state, Chhattisgarh is surrounded by the many states which include your Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. So I'm writing the name of all the bordering states of Chhattisgarh. So I'll tell you किस तरह से आपको उसको पढ़ना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव उत्तर प्रदेश, वी हैव मध्य प्रदेश एज द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़, वी हैव महाराष्ट्र,
Maharashtra touches the border of Chhattisgarh. Post Maharashtra, we have Telangana. Telangana. After Telangana, we have your Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Touching the border of Chhattisgarh. Post Andhra Pradesh, we have your Odisha. Okay, Odisha, and also we have this particular Uttar Pradesh in the top, and also in the last section we have your Jharkhand. Okay, so these all states, this your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So Chhattisgarh makes border with the 7 states of Indian Union, which include these all states. Okay, from Uttar Pradesh to your Jharkhand. Now we'll see the locational aspects. See, आपको borders के अंदर क्या क्या देखना होगा. First of all, कितने states ने border बनाए. Number two, you'll see कि आपका जितने भी छत्तीसगढ़ states हैं उसमें से सबसे smallest border किस state के साथ लगता है. तो छत्तीसगढ़ makes the smallest border, और जो आपका सबसे छोटा border छत्तीसगढ़ as a state किससे बनाएगा. And which of the following districts of छत्तीसगढ़ make the smallest border. In terms of district, we have the smallest border in your Dhamtari, but in terms of state making the smallest border with Chhattisgarh, we have your Andhra Pradesh as such, your border of Chhattisgarh. So Andhra Pradesh ka jo border hai wo sabse chota border hai. Then we have the Uttar Pradesh, then we have the Telangana. Theek hai, so we will see all this particular facts jo aapke preliminary oriented aapko important ho sakte hain, and as such in the mains mein bhi aapko aa sakte hain. Theek hai, so all the questions ko hum trace karte hue padhenge. Aapka jitne bhi prelims se puche gaye question hai regarding border, hum un sare cheez ko trace karte hue yahan par dekhenge. Theek hai, so we'll talk about all this border location. First of all, I will draw the map of Chhattisgarh. Then we'll see कि आपका ये सारे के सारे borders we have to discuss in terms of सी. अपने को पढ़ना क्या क्या है, smallest, longest we'll discuss. Then also which all districts आपका छत्तीसगढ़ का जब हम देखेंगे, so which all district of छत्तीसगढ़ touches the border with which of the following state. हम इस चीज़ को भी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे. ठीक है, so I'm drawing the map of छत्तीसगढ़. First of all, we'll see a simple map of छत्तीसगढ़ like this particular. I've already teached you कि किस तरह से ये मैप बनेगा इन सम ऑफ माई लेक्चर्स, सो यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स एज वेल. सो दिस इज द योर रिहंद बेसिन, दिस इज द रिहंद बेसिन. पोस्ट रिहंद वी हैव द कन्हार बेसिन, देन वी हैव द टर्न लाइक दिस, दिस इज द गरियाबंद, एंड पोस्ट गरियाबंद वी हैव समथिंग लाइक दिस, एंड एंड ऑफ इन योर सुखमा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ ऑल द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विद द स्टेट्स. सो हियर दिस पर्टिकुलर रिहंद बेसिन समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज दिस पर्टिकुलर इज योर this particular point. So this is your Uttar Pradesh. So this is your Uttar Pradesh. Okay, so aapka yahan par kya hai, Uttar Pradesh hai. Here like this, this two particular. So we have Korea, this is the Korea. Then we have Surajpur. I have already talked about this Korea Surajpur. This is like something like this. So here we have your Balrampur. Balrampur, this is the Jaspur. Okay, so in this particular Sarguja division, 4 districts make the border with other states, including Korea, Surajpur, Balrampur, Jaspur. So this is the Uttar Pradesh. Below this, if you talked about this particular Bilaspur division, here we have the Bilaspur division, then we have your Raipur division and the Bastar. So Bilaspur division, if we talked about, so we have this particular, this is your GPM, Gorilla, Pendra, Marwahi making the border, and also this is the Mungeli. Now Bilaspur doesn't make the border. Okay, so Bilaspur अब कहीं भी border नहीं लगेगा. Earlier Bilaspur makes the border, now but अभी Bilaspur become the landlocked state, landlocked district of छत्तीसगढ़. तो Bilaspur आपका border नहीं लगाएगा, because the last part of this particular is your Keuchi, and Keuchi lies within the छत्तीसगढ़ only. So आपका वो border नहीं लगाएगा आपका Bilaspur. ठीक है, so Bilaspur doesn't make the border. So we have the GPM, we have Mungeli. ओके, बिलो मुंगेली हियर वी हैव योर कवर्धा. सो दिस इज द कवर्धा और कबीरधाम. बिलो कबीरधाम वी हैव राजनांदगांव. सो राजनांदगांव विल मेक द बॉर्डर. बिलो राजनांदगांव समवेयर हियर लाइक दिस पर्टिकुलर, नॉट हियर, लाइक दिस पर्टिकुलर वी हैव योर कांकेर मेकिंग द बॉर्डर. बिलो कांकेर दिस नारायणपुर अगेन मेक्स द बॉर्डर. ओके, नारायणपुर विल मेक द बॉर्डर. ओके, आफ्टर दिस पर्टिकुलर वी हैव योर बीजापुर. सो बीजापुर विल मेक द बॉर्डर. बिलो बीजापुर वी हैव दिस पर्टिकुलर सुखमा. सुखमा मेक्स द बॉर्डर. सो दिस पर्टिकुलर कोरिया, गोरेला पेंड्रा मारवाही, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, राजनांदगांव, देन कांकेर, देन दिस पर्टिकुलर नारायणपुर, देन बीजापुर, देन सुखमा विल मेक द बॉर्डर, एंड दिस पर्टिकुलर बस्तर विल मेक द बॉर्डर. सो अगेन इन दिस पर्टिकुलर अपना अंदर में क्या है, दिस इज योर बस्तर. सो दिस पर्टिकुलर दंतेवाड़ा विल नॉट मेक द बॉर्डर. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर कोंडागांव अगेन विल मेक द बॉर्डर. हियर वी हैव
this particular Dhamtari, so Dhamtari will make the border, and also this particular Gariyabandh will make the border, and here we have Mahasamund. So Dhamtari, Gariyabandh and Mahasamund will make the borders, and here we have your Raigad. So Raigad will make the border, and then Jaspur will make the border. So if I count all these particulars, jitne bhi aapke districts hain, so around 18 districts of Chhattisgarh will make the border with other states. So we'll count from this particular 1, 2, 3, 4 of this particular, 5, 6, 7 3 here, 8, 9, 10, 11, 12 sorry for the disturbance. So here we have the 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. So 18 districts makes the border with the other states of Indian Union. Sorry for the disturbance. Okay, so now we'll see this particular, sorry for the disturbance, thoda sa aapka noise ke karan, theek hai, so sorry for that particular disturbance. Now we'll again talk about this. So these are the 18 districts. So in Chhattisgarh there are 18 districts. So 18 districts makes the border, aapke Chhattisgarh ke total 18 districts will make borders, and there are 10 districts. So remaining kitne hain, total 28, out of 28 we have the 18 districts making the border, and the 10 districts, total 10 districts aise honge which do not make the border. So these districts are called as your landlocked district, theek hai. So these are called landlocked districts of Chhattisgarh. Okay, so this is the question as such. Aapke one of the prelims they ask the question ki Chhattisgarh ke total kitne districts aapke border nahi banate. So earlier there was a 9 district, but now we have the 10 districts including your newest one is your Bilaspur. So Bilaspur will not make the border. So we have the 10 districts which are landlocked, and we have the 18 districts which are making the border with the other states. So these are the 18 districts which are making border with the other states. And remember, this particular Rajnandgaon, this particular Gariyabandh, if you look, so this Gariyabandh makes the longest border in terms of, आपका देखा जाएगा तो सबसे बड़ा वहाँ पर बनाएगा. And this particular Dhamtari, so this particular Dhamtari, see here, so Dhamtari make the smallest border. So in terms of district, we have the smallest border made by your Dhamtari. Smallest border. So आपका smallest border कौन बनाया? Dhamtari. Dhamtari. Okay, so we have this particular Dhamtari making the smallest border. You can get confused with this particular Kavardha agar aap map ko acche se nahi dekhenge. So Dhamtari make the smallest border. And in terms of, now we'll talk about the particular states as such. So aapko sabse pehle kya karna hai, number of districts making the border and not making the border, then we have the smallest border. And the particularly longest border, if you see the map, so if you see the particular map, so picture look like, look a bit different, ki aapka ye bana sakta hai, longest ye bana sakta hai, this particular could be the longest one. See the Gariyabandh, it can make the longest border, kyunki wo kya hai, par length wise hai, not in terms of area hai. So if I see this particular, so Gariyabandh making the longest border, or else your Rajnandgaon. So kisi books mein mention nahi hai, but I will check it, cross check it, and I will give you this particular thing. But for now, please remember Gariyabandh is the longest, makes the longest border. Now we'll see the other part. So this is your Uttar Pradesh making the border. After Uttar Pradesh, if you see this particular thing, till this particular cover, your Rajnandgaon here. So till this particular point here, this particular, so this is the Madhya Pradesh border. Okay, so Madhya Pradesh will make the border. Okay, so this is the border of your Madhya Pradesh, and after this particular, ye aapka jo section hai, till this particular Bijapur, so till Bijapur we have the Maharashtra as your border, Maharashtra. So Maharashtra will make the border till your Bijapur. Okay, and post Bijapur, if you look up into here, this particular thing, so Bija to Bijapur to your Sukma, this particular section of your Sukma, so here we have Telangana. Telangana making the border with Chhattisgarh. And post Telangana, this particular Sukma only, here we have the border of Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh will make the border here. In Sukma we have the Andhra Pradesh. Then from this particular area till your Jaspur, Jaspur ke yahan tak aapka ye pura ka pura dekhenge, here we have the Odisha as your border, Odisha. So Odisha making this particular border. And this section Uttar Pradesh to your Jaspur, here we have your Jharkhand as the border. Okay, so Jharkhand. So this particular thing, they can ask you about this particular. So we have the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha, Jharkhand, and Uttar Pradesh. Okay, in terms of this particular borders, so this particular Odisha make the longest or the largest border with the Chhattisgarh. So Odisha makes the largest border. So largest border we have with your Odisha. So Odisha making the longest or the largest border.
Okay, so we have the largest, or you can call, don't say largest, it is the longest border, is more a good term for this particular. So Odisha will make the longest border with the Chhattisgarh, and if you see the smallest border, agar sare ke sare mein dekhenge, to Andhra Pradesh will make the smallest border. So we have your Odisha, the longest one, and this particular Andhra Pradesh, where is the Andhra Pradesh? This particular Andhra Pradesh is the smallest border, theek hai? So we have this particular border location. Apart from locating this particular border, you also need to remember the look or remember the direction of this particular border. So if we draw a particular line from this particular line, so we have the north, in north we have, so this Uttar Pradesh will make the north border of Chhattisgarh, north, in north we have Uttar Pradesh. In this particular side or the northwestern side we have Madhya Pradesh, so northwestern border, this particular Madhya Pradesh will make the northwestern border. Here we have the, in west we have Maharashtra, in west. Okay, now in the southwest, this particular southwest direction we have Telangana, so Telangana in the south west direction. In the south direction, agar south mein dekha jayega, to we have Andhra Pradesh in the south. Okay, this particular section, if you see, देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो there is a border, but most of the book write कि वहाँ पर border नहीं है, and PSC also take it as an answer. अब I don't know why the books are mentioning like this, so please हम लोग जो books में लिखा है we'll study in that manner. So in Chhattisgarh most of the book you will find in this particular direction, south east direction, no, none of the states make the border. ये blunder है books के, ठीक है? So we have to capture that blunders, क्योंकि उस तरह से वो exam में वो करते हैं. सो प्लीज कंसिडर इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड साउथ ईस्ट, वी डोंट हैव एनी ऑफ द बॉर्डर. वो ये बोलना चाहते हैं, ठीक है, कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपके कोई भी बॉर्डर नहीं लगाता. एंड इफ यू सी दिस पर्टिकुलर ईस्टर्न बॉर्डर, सो ईस्टर्न बॉर्डर अगेन द ओडिशा, सो ओडिशा विल मेक द ईस्टर्न बॉर्डर. साउथ ईस्ट डायरेक्शन वी डोंट हैव एनी ऑफ द बॉर्डर, ठीक है, तो साउथ ईस्ट में आपका बॉर्डर नहीं होगा. इन द ईस्टर्न डायरेक्शन वी हैव द ओडिशा एज द बॉर्डर, सो दिस इज द ओडिशा बॉर्डर. एंड अगेन इन दिस पर्टिकुलर नॉर्थ नॉर्दर्न पार्ट, सो नॉर्थ ईस्टर्न, if you talk about the north eastern border, so Jharkhand make the north east border with your Chhattisgarh. Okay, so this is the complete picture of this particular borders, ki aapka kaun kaun sa kis direction pe lagte hain. So again we'll plot that particular thing like this particular, so we have plotted there. Now we'll see, so this is the center point of Chhattisgarh. If we talk about, so in the north, this is the north direction, consider this north east, this is the northwest, this is northwest, this particular is the south, this is southwest direction, and this particular is your southeast direction. So here northwest, in this particular northwest we have Madhya Pradesh, in north we have Uttar Pradesh, in northeast we have Jharkhand, in this particular southeast we don't have any of the border, in this particular east and this particular west. So in east, this east we have the border with your Odisha. Here Odisha will make the border. This please do not consider it, क्योंकि आपके किसी भी बुक में यह लिख दिया है कि छत्तीसगढ़ doesn't make border in this particular section. But वैसा है नहीं, वो लगा रहा है border, but as the book suggests, आपको नहीं लिखना है, ठीक है. And in the south we have your Andhra Pradesh, Andhra Pradesh. In this particular southwest we have Telangana. Okay, in the western direction we have your Maharashtra. Okay, so these all states make the border with your India. So longest border Chhattisgarh may, sorry, with Chhattisgarh, the longest border of Chhattisgarh is this particular Odisha, and the smallest one is here in your Andhra Pradesh. Please do not take Uttar Pradesh as the smallest, Andhra Pradesh is the smallest, making only something around 38 or 39 kilometers of the border. So आपका सबसे छोटा क्या है, आपका आंध्र प्रदेश है, तो आपको लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है. सो आंध्र प्रदेश इज द स्मॉलेस्ट एंड ओडिशा इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ योर दिस पर्टिकुलर स्टेट कॉल्ड स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. नाउ talking about this particular political border, so why we are more towards learning about the political border, hum kyon padhte hain bar bar borders, first of all to know the your limitation or the which all the area or the territorial boundary. So this border will give us the territorial boundary of the states. Okay, this is good, humko yahan se pata chalta hai ki hamara domain kaha hai, in which all areas the Chhattisgarh government had the control over. So this makes your territorial location, so territory define hota hai, territorial, ठीक है. सो दिस डिफाइंस द टेरिटरी और द टेरिटोरियल लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़, ठीक है. यहाँ से आप तो टेरिटरी डिफाइन कर ले रहे हैं, बट टेरिटरी के बाद भी अगर देखा जाए तो वाई वी आर लर्निंग दिस पर्टिकुलर बॉर्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़ और द पोलिटिकल बॉर्डर, बिकॉज
आपका बॉर्डर लोकेशन, दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल बॉर्डर लोकेशन गिव्स द कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी और कल्चरल योर एसिमिलेशन यू कैन से, कि आपका क्या हो रहा है, आपका क्या होगा, छत्तीसगढ़ हैज़ देयर ओन डिस्टिंक्ट कल्चर, छत्तीसगढ़ का अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, वेल एंड गुड, बट इन द बॉर्डर और द सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ विल ऑल्सो सी द कल्चर्स एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर स्टेट्स वहाँ पर जो आ रहे हैं, ठीक है. सो इन योर, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर रायगढ़ महासमुंद इन टर्म्स ऑफ योर गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट इज ओके. सो हियर विल सी मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑल्सो बिलोंगिंग टू द उड़ीसा एंड देयर देयर मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्पीक द उड़िया लैंग्वेज एज सच. सो आपका क्या हो रहा है, देयर इज अ कल्चरल इंटरमिंगलेशन और द कल्चरल एसिमिलेशन. सो बॉर्डर प्रोवाइड द कल्चरल एसिमिलेशन इन टर्म्स ऑफ योर लैंग्वेज. सो आपका वहाँ पर क्या हो रहा है, लैंग्वेज वहाँ पर किस तरह से बोले जाएगा वो पूरा का पूरा दैट बॉर्डर विल डिफाइन अगेन. एंड अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज वी हैव द फूड हैबिट्स. सो द पीपल इन दिस पर्टिकुलर रीजन विल हैव द सेम फूड हैबिट्स एज सच एज योर पीपल ऑफ ओडिशा. इन दिस पर्टिकुलर झारखंड एरिया, तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्या दिखेगा, पीपल मोस्ट ऑफ पीपल हियर विल ईट और विल हैव द सेम ट्राइब्स, विल फाइंड द सेम ट्राइबल लोकेशन हियर ऑल्सो. सो इन दिस पर्टिकुलर एरिया वी हैव द उरांव ट्राइब्स, अगेन इन दिस पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वी फाइंड द उरांव ट्राइब्स. हियर इन दिस पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश लोकेशन ये बलरामपुर वाला एरिया है. सो इफ यू सी दैट पर्टिकुलर ड्रम बीट विच इज कॉल्ड एज अ मुनगा, तो मुनगा को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इस लोकेशन में, वी कॉल्ड इट एज योर मुनगा, बट इफ यू गो इन द बलरामपुर दे कॉल्ड इट एज योर सहजन. सो सहजन बिकॉज आपका उत्तर प्रदेश में उसको क्या बोला जाता है, सहजन. सो वी हैव द डिफरेंट लैंग्वेज एंड द फूड हैबिट्स. सो लैंग्वेज विल डिफाइन दैट पर्टिकुलर फूड हैबिट्स. वी हैव द ट्राइब्स और आपका जो भी ट्राइब्स का लोकेशन है वो ऑलमोस्ट देयर, वी विल हैव द सेम ट्राइबल लोकेशन ओके. एंड ऑल्सो so this provide your cultural assimilation or the social assimilation. apart from this it gives you the territorial extent or the territorial locality, ki aapka chhattisgarh ka jo border hai it will define ki aapka chhattisgarh ki jo state government and the various division the districts jo aapke administration hai वो कहाँ तक आपके क्या करेंगे रूल्स एंड लॉज को वहाँ पर बनाएंगे. द एरियाज आर डिफाइंड वेयर वी हैव टू प्रोवाइड द वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम टू द बेनिफिशियरीज. तो वो पूरा का पूरा कहाँ से डिफाइन होगा, फ्रॉम योर बॉर्डर लोकेशन ओनली. सो वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, I will rub this particular and I will talk about the various benefits or the advantage of having the political borders and what all this particular borders will give. So first of all, it will give you the territorial extent, and territorial extent will help you in terms of your schemes. तो आपका जो भी स्कीम्स है जो पॉलिटिकल और सो यू कैन से टॉक अबाउट द बेनिफिट्स और बेनिफिशरीज. सो आपको पता चलता है कि आपको कहाँ तक आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है, बेनिफिशरीज प्रोवाइड करना है. अगेन इट हेल्प्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर. सो आपका डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर कहाँ कहाँ पर आपको कितने एरियाज हैं तो उसके हिसाब से आप करेंगे. देन दिस पर्टिकुलर टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑल्सो टेल्स अबाउट द इन टर्म्स ऑफ योर लोकसभा राज्यसभा सीट्स, अगर वो देखते हैं तो पॉपुलेशन बेसिस पे होते हैं, बट अगेन समवेयर आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा टेरिटोरियल एक्सटेंट से ही डिफाइंड होता है, ठीक है. सो वी हैव दिस पर्टिकुलर बेनिफिट्स. देन वी आई हैव टॉक्ड अबाउट द कल्चर्स ओके. सो दिस पर्टिकुलर बॉर्डर गिव्स अस द वेरियस कल्चर्स इंक्लूडिंग द कल्चरल एसिमिलेशन, और कल्चरल एसिमिलेशन यू विल सी इन टर्म्स ऑफ द फूड हैबिट्स, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग्स ड्रेसेस. वी हैव द वेरियस डांस एंड म्यूजिक. सो आपका ट्राइब्स हो सकते हैं वहाँ पर. वी हैव द कॉमन ट्राइब्स, वी हैव द वेरियस डांस एंड म्यूजिक्स सो विच आर कॉमन इन द बोथ द स्टेट्स, ठीक है. तो आपको ये सारे चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ योर कल्चरल एसिमिलेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड द कल्चरल एसिमिलेशन, इट ऑल्सो गिव्स दिस पर्टिकुलर योर पॉलिटिकल बॉर्डर विल ऑल्सो हेल्प इन दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड योर लॉ एंड ऑर्डर. सो लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ, देखो आपका क्या है, इफ द बॉर्डर, इफ दिस पर्टिकुलर बॉर्डर बिकम अ पोरस बॉर्डर एंड इफ दिस पर्टिकुलर बॉर्डर इज नॉट सीज्ड, अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे इस बॉर्डर लोकेशन को अगर ठीक से नहीं करेंगे तो क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल गेट वर्स. तो अगर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सही से नहीं है तो सिचुएशन विल बिकम वर्स एंड वी विल सी द इंस्टेंसेस ऑफ मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग क्या हो रहा है आपका इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर रिफ्यूजीज इन दिस पर्टिकुलर रीजन. आपके अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे लोग वहाँ से आकर यहाँ पर आ जाएंगे. इन टर्म्स ऑफ वेरियस हम लोगों ने अभी क्या देखा, इन लास्ट ईयर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रोवाइड 2500 फॉर द पैडी प्रोक्योरमेंट. राइस के प्रोक्योरमेंट में आपका क्या था, छत्तीसगढ़ स्टेट इज द हाईएस्ट गिवर्स, ठीक है. तो ये क्या दे रहे थे, 2500 रुपये का हम क्या करें, वी आर गिविंग द MSP प्राइस एज 2500 रुपीज. सो द दिस पर्टिकुलर उड़ीसा से इफ यू सी द उत्तर प्रदेश यू विल सी द झारखंड. सो फार्मर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशन लोडेड द ट्रक्स विद द राइजेस एंड अब क्या कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में अपने सारे के सारे राइस वगैरह को लाकर बेचने की कोशिश कर रहे थे. सो दे आर स्टार्ट अ होर्डिंग, दे आर स्टार्ट अ समथिंग कॉल्ड योर
बॉर्डर मिसमैनेजमेंट, और आपका क्या हो रहा है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में वो क्या कर रहे थे अपनी चीज़ों को डंप कर रहे थे। तो अगर आपका यहाँ पर अगर लैंड बॉर्डर प्रॉपरली ओरिएंटेशन नहीं होगा तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, वेयर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गेट बिकम वर्स। सो अपार्ट फ्रॉम दिस विल सी द इंस्टेंसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर, जो छोटे बच्चे होते हैं द स्मॉल चाइल्ड्स, तो उनको उठाकर यहाँ से ले जाते हैं, इन सारे बॉर्डर्स को, लूज बॉर्डर्स को इस्तेमाल किया जाता है, एंड वहाँ से पूरा का पूरा आपका क्या होता है जितने भी आपके जो चाइल्ड्स वगैरह होते हैं या वुमेन्स हैं तो उनके उठाकर ले जाकर वो क्या करते हैं वहाँ पर किसी और वर्क्स पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी आपके क्या हैं अनसोशल एक्टिविटीज़ हैं, तो इफ़ द लॉ एंड ऑर्डर इज़ वर्स वी विल हैव द ऑल द अनसोशल एक्टिविटीज़ taking place in this particular section. So we have the unsocial activities. Okay, citing this particular border location here, if you see in the Bijapur, Sukma and the Bastar, isi ke sare ke sare borders, because we have the dense forest in this particular region, so wahan par kya hai, wahan par deployment of manpower and sab kuch difficult hai. So because of that particular problem only in the southern part of Chhattisgarh, because of the border locality, we don't have the particular law and order because of your terrain problem or the locality as such. So terrain problem, so we have the different types of problem here in terms of your Naxalite. ठीक है, सो वी हैव द नक्सलाइट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द टेरेन प्रॉब्लम एंड द बॉर्डर मिसमैनेजमेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पर हमारा बॉर्डर क्या है थोड़ा सा पोरस है. सो इट विल गिव यू द टेरिटोरियल एक्सटेंड, इट विल टॉक अबाउट द कल्चरल असिमिलेशन, यू कैन टॉक अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर एज सच एंड द अदर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द बॉर्डर्स एंड ऑल्सो सम ऑफ द मेजर बेनिफिट दैट बॉर्डर विल प्रोवाइड. ओके, सो बेनिफिट इफ यू से वॉट ऑल बेनिफिट्स दिस पर्टिकुलर बॉर्डर विल प्रोवाइड, सो अगेन दिस पर्टिकुलर थिंग इफ यू सी इफ द एनी ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स विल रन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट्स को आपको रन करना है, सो बीइंग लाइंग इन द बैट पर्टिकुलर रीजन, इफ यू सी आपका छत्तीसगढ़ का इस लोकेलिटी और इस लोकेशन में रहने से क्या बेनिफिट हुआ कि आपका क्या हो रहा है सम ऑफ द सेंट्रल रेलवे लाइंस, सो ये आपका रेलवे लाइन अगेन पासिस फ्रॉम योर स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, सो दिस पर्टिकुलर इज बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द छत्तीसगढ़. और अगेन आपका क्या होगा क्योंकि सर आपका वी विल गेट द गुड एक्सेस टुवर्ड्स योर महाराष्ट्र विच इज़ द वन ऑफ द गुड स्टेट्स ऑफ इंडिया, सो महाराष्ट्र में हमको वो मिल रहा है, ठीक है, एक्सेस मिल रहा है, वी गेट द एक्सेस टुवर्ड्स द योर मध्य प्रदेश, सो ये सारा का सारा आपको एक बेनिफिट आपको भी देखने को मिलेगा. एंड इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉर्डर, सो बॉर्डर इज अ मैन मेड थिंग बट फॉर द नेचर दिस बॉर्डर डजेंट एग्जिस्ट. इफ यू सी द नेचुरल बॉर्डर वैन टॉक अबाउट द फिजिकल बॉर्डर एज सच विल से बिकॉज ऑफ द फिजिकल लोकेलिटी ओनली दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन हैव वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड इन दिस टू पर्टिकुलर स्टेट्स. तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल बॉर्डर.